हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही स्वीट सी रेसिपी बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम सुनकर डेफिनेटली आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। उस रेसिपी का नाम है जलेबी, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। आपको नाम जिसे घर पर बनाना काफ़ी आसान है, ये बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको नाम के अकॉर्डिंग लगता होगा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी रेसिपी है। मैंने यहाँ पे कुछ जलेबियाँ बनाई हैं जो दिखने में काफ़ी क्रिस्पी और रस से भरी हुई है। अगर आपको ठीक ऐसे ही जलेबियाँ बनाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर देखें। तो चलिए, अब देर किस बात की, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए बस हम दो इंग्रेडिएंट से ही इस रेसिपी को बनाएंगे। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे करीब 200 ग्राम रिफाइंड फ्लावर लिया है, जिसे कि मैंने काफ़ी अच्छे से चाल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पहले पानी, और यहाँ पे देखिए हल्के हाथों से इसे चारों तरफ अच्छे से मिलाएंगे। जलेबी बनाने के लिए केवल हमें दो ही चीज़ यहाँ पे बनाना होता है, एक तो हमारा बैटर और दूसरा हमारा चाशनी। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपका बैटर काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, तो आप ठीक वैसे ही बैटर को मिलाना जिस तरीके से मैं मिला रहा हूँ। ये देखिए, आपको एक लय में मिलाना होता है। लोग तो बोलते हैं कि भाई इंस्टेंट जलेबी बनाना है तो लोग इसमें ऐड कर देते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, लेकिन अगर आपको जलेबी बनाना है तो आप एक दिन पहले इसका प्रिपरेशन करना, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारा बैटर होता है इसे हमें फर्मेंटेट करना होता है, फर्मेंटेशन लाना होता है, खमीर उत्पन्न करना होता है। इसलिए इसे हम लोग करीब 12 से 14 घंटे के लिए इसे हमें बैटर बनाकर रखना होता है। आपको यहाँ पे एक ऐसा बैटर बनाना है जो ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा, एक लय में हो। बस कंटिन्यू आपको इस देखिए क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको कंटिन्यू फेंटना है, लेकिन केवल एक दिशा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको कंटिन्यू बीट करते करते हमारा यहाँ पे बैटर कितना स्मूथ हो गया है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जब मैं इसे गिरा रहा हूँ ना, तो ये एक लय में गिर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप बनाओगे तो इसे एक लय में गिरना चाहिए, तभी आपका जलेबी काफ़ी बढ़िया बनेगा। लेकिन इसे हमें फर्मेंट करने के लिए छोड़ना है, तो मैं इसे फर्मेंट करने के लिए करीब 12 से 14 घंटा इसे या फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर चीनी लिया है करीब 200 ग्राम। यहाँ पे आपको क्वांटिटी को ध्यान में रखना है। देखो, जितना मैंने चीनी लिया है उतना ही मैंने यहाँ पे पानी भी लिया है, करीब एक बाउल। ये देखिए, अब क्या करेंगे, गैस को ऑन कर देते हैं और इसमें डालेंगे ये हमारा थोड़ा सा मिल्क, करीब 2 टेबल स्पून। हम लोग यहाँ पे मिल्क इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारा जो चीनी में इम्प्योरिटीज होता है ना, वो हमारा बाहर निकल सके। इम्प्योरिटीज मीन्स गंदगी। देखना, थोड़ा देर के बाद इसमें गंदगी आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में अस्कम बोलते हैं। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा चाशनी हल्का थिक ना हो जाए, एक तार का ना हो जाए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने यहाँ पे दूध डाला था, लेकिन हलवाई लोग क्या करते हैं ना, हाइड्रो का यूज करते हैं। हाइड्रो मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है, आप चाहो तो दूध के बदले हाइड्रो पाउडर का भी यूज कर सकते हो। तो थोड़ा देर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकम निकलना स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। मेरा लगभग यहाँ पे आधा चाशनी बनकर तैयार हो गया है, हल्का थिकनेस आ गया है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे ये हमारा नींबू का स्लाइस। ये देखिए, मैंने स्लाइस में काटा है। स्लाइस हम लोग इसलिए डालते हैं कि चीनी हमारा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में ना हो जाए, मतलब जम ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे नींबू का यूज करते हैं। बीच बीच में हम यहाँ पे चाशनी को चलाते भी रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका चाशनी जमेगा नहीं। चेक करते हैं कि पका है या नहीं। अभी थोड़ा और समय लगेगा इस चाशनी को पकने में, करीब 4 से 5 मिनट। और 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो हमारी चाशनी काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि चाशनी कैसी बननी चाहिए। ये देखिए, मैंने लिया है थोड़ा सा, एक पतला तार बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे
जलेबी के लिए हमारी चाशनी बनके रेडी हो गई है और इसे थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। अगर आपका जरूरत लगे कि नहीं थोड़ी सी इसमें गंदगी ज्यादा है तो आप इसे एक बार छान लेना। देखिए मैंने जो स्कम निकाला था ना वो यहाँ पे है, मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रात भर के लिए छोड़ दिया था, तो आप देख सकते हो काफी बढ़िया तरीके से हमारा फर्मेंट हो गया है। लेकिन एक बार फिर से मैं इसको अच्छे से फेंट लूंगा जलेबी बनाने से पहले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप जलेबी को टाइम किससे दोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है घर में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे तीन चीज से दिखाऊंगा कि आप उससे जलेबी बना सकते हो। पहला हमारा सॉस बोतल जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, इसमें एक ड्रिल होती है, छेद होता है, जिसके इसमें आप क्या करोगे बैटर को फिल करना और उसके ऊपर से फिर इस तरीके से आप फ्राई कर सकते हो। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा ये पॉलीथीन, ये देख सकते हो ये पॉली बैग मार्केट में इजीली मिल जाता है, जिसमें क्या करना आप इस बैटर को इसमें फिल करना, इसको फिर यहाँ से एक छोटी सी आप यहाँ पे कटिंग करके फिर इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है मार्केट वाला, जो मार्केट में यहाँ पे ये क्लॉथ मिलता है, आप देख सकते हो ये क्लॉथ मार्केट में इजीली मिल जाता है। और सबसे बढ़िया तरीका है इस कपड़े में ही बनाना जलेबी को, तो मैं आज आप लोगों को इसी कपड़े की मदद से जलेबी बनाना सिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरे के ऊपर इस कपड़े को रखा है और इसमें हम डालेंगे बैटर जो मैंने बनाया था, ये देखिए एक लैडल की मदद से। मैंने इसी कपड़े में मैंने बैटर को डाला है, अब हम क्या करेंगे जलेबी को बनाएंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैंने पहले से ही रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे जलेबी, ये देखिए किस तरीके से वन बाय वन करके यहाँ पे मैं जलेबिया को बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो घी में भी जलेबी को तल सकते हो। अब यहाँ पे हम जलेबी को पकने देंगे वन बाय वन करके। देखिए मैंने सिंक की मदद से मैं यहाँ पे जलेबी को इधर उधर कर रहा हूँ ताकि हमारी जलेबी अच्छे तरीके से पक जाए। जैसे मेरा एक तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन का कलर हो जाएगा तो मैं जलेबी को पलट दूंगा। दूसरी तरफ भी हमारा जलेबी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से पफ हुआ है हमारा जलेबी। बस हमें और कुछ नहीं करना है, अब यहाँ जलेबियों को हम निकाल लेते हैं और चाशनी में फटाफट डीप करेंगे। आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, बस आप जलेबियाँ निकालना और चाशनी में डीप कर देना। अगर आप रुक जाओगे ना तो आपका जो जलेबी है काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा, फिर आज जो चाशनी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा जलेबी, इसलिए आपको यहाँ पे फटाफट ये काम करना है, जलेबियाँ निकालना है और चाशनी में डीप कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा जलेबी रस पी लिया है, एकदम देखने में शाइनिंग भी लग रहा है और काफ़ी बढ़िया पफ खिला हुआ भी लग रहा है। अब इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं एकदम रस से भरी हुई। तो हमारा यहाँ पे सारी जलेबियाँ बनके तैयार हो गई है। तो आपने देखा ना इस जलेबी को कितना आसान है बनाना। तो अभी रिपब्लिक डे आने ही वाला है, इस रिपब्लिक डे पे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।